सांसद देवजी पटेल ने लोगों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कई लोग यह चर्चा कर रहे हैं कि मुझे टिकट बीजेपी ने धोखाधड़ी करके दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ इस सभा में बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, मैं सभी के चरणों में हाथ जोड़कर यह सौगंध खाता हूँ कि ना तो कभी धोखा किया है ना करूँगा, क्योंकि मेरे खून में धोखा नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं धोखा और धोखेबाज दोनों को सहन नहीं करता, मैंने किसी की भी टिकट नहीं छीनी है, मुझे केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट दी है और मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप सभी के चरणों में निवेदन करने आया हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं क्षेत्र का पूर्ण विकास कर सकूं। करवा चाहूं बड़े कई जगह रे मादे एक चर्चा एलाड़ी कैसा जी आ टिकट है, टिकट धोखा भी ली दूंगा। आज हुदीरो इतिहास आज एटे भोपोजी बिराजमान है, गुरुवर बिराजमान है, चरणा रे मोए हाथ मिली ने सोगन खावाने तैयार हूं। न कभी धोखो कयो है, न कभी धोखो करो, धोखो मोरा खून में ही नहीं है, न मैं कभी धोखा ने सहन करो सा। वो मारा कौन थी कौन करो, मैं न करे पाए दी छीनी ने लीटू है। केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी रो टिकट दीदो है और आ कमल नो फूल जी है, वो कमल नो फूल इलेक्शन लड़ी रहो। आम ओधोरे चरणों में निवेदन करवा चाहूं, मारो एक लक्ष्य है। तीन वड़ा पे एमपी बढ़ायो उहारी धन्यवाद, उहारे हाथे हाथे आपे जी प्रेम दी दो आशीर्वाद दी दो उहारी धन्यवाद। आगे भी आपरी सेवा रो मौको दीदो है, उने सेवा करवारो पूरो प्रयास करू। मोदी जी विकास री योजना है, वह योजना ने उतारवारो प्रयास और जो पे सब जना मिली ने काम कर जाओ वो करवारो प्रयास मो जरूर करूँ। आमो आपने निवेदन करवा चाहो, आपे जो मान सम्मान दीदो ये आवाज है तहे दिल दी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय श्री राम।